एंड वर्क बाय भागीरथी। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ साइंस वर्किंग मॉडल। आप देख सकते हो व्हील एंड एक्सेल आज का टॉपिक है जिसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल ले रहे हैं, जिसमें मैंने बेस मटेरियल का यूज़ किया हुआ है। स्वीट के बॉक्सेस हैं, A4 साइज शीट्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है जो कि स्वीट का बॉक्स है, उसको मैंने 15x22 ऑलरेडी कट कर रखा है इन अ रेक्टेंगल शेप। ये जो मैंने लाइन ली है ये 15 सेंटीमीटर की है, और जो बॉटम में लाइन ली है विद द गैप ऑफ 5 सेंटीमीटर मैंने किया है, ये है 16 सेंटीमीटर की लाइन है। तो ऐसे हमने 2 कार्डबोर्ड की नीड होगी जो कि हमें चाहिए, और ये जो दोनों साइड से जो मैंने कट का निशान दिया है इसे काटना है, इसलिए मैंने ये मार्क किया हुआ है। ये देखिए मेरे 2 पीसेस रेडी हैं विद द हेल्प ऑफ सीजर, बिकॉज इट्स अ कार्डबोर्ड तो कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप किसी अपने बड़े की हेल्प ले सकते हो। आप कटिंग बिल्कुल लाइन टू लाइन कट करेंगे। ऐसे ही आपने अपने सेकेंड पीस को भी कट कर देना है। ये देखिए मेरा रेडी हो गया है। इसके बाद आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं और उस पे आपने सर्कल ड्रॉ करना है। आप 2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आप 2 रेडियस लें, देन आप एक सर्कल ड्रॉ करें और उसको कट कर लीजिए। ऐसे सर्कल्स आपको 2 कट्स करने हैं। देखिए सेम साइज के होने चाहिए। ये भी मैंने साइड में रख लिया है। अब अगेन मैंने एक और पेपर लिया हुआ है, कार्डबोर्ड है बेसिकली, और उस कार्डबोर्ड को मैं डायमेंशन जो दे रही हूँ, मेजरमेंट आप देख सकते हो, इसको मैं 15x15 सेंटीमीटर करूँगी। बेसिकली ये स्क्वायर बन गया है 15x15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। आपको शो करने के लिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दूंगी, आप देख सकते हैं। और फिर जो सेंटर का जो पार्ट है उसको हमने कट करना है। जो सेंटर पार्ट है विद द हेल्प ऑफ पेपर कटर हम कट करेंगे। वंस हमारा ये जो कट हो गया है, उसके बाद जो आउटर लेयर है उसको भी हम प्रॉपर कट करके अभी हम रख देंगे। ये मेरे मटेरियल रेडी हो गए हैं। इन पेपर्स को मैं इनके ऊपर कवर कर दूंगी। ये मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और इसको कवर करना है किसी चार्ट पेपर से या फिर A4 साइज शीट से। ये देखिए ये वही पीसेस हैं जो मैंने अभी कट करे थे, इनको मैंने कलरफुल शीट से कवर कर दिया है। आपको याद होगा यही सारे शेप्स थे। यस, अब चलिए शुरू करते हैं। हमारा बेसिक मटेरियल रेडी हो चुका है तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वुडन स्टिक, ब्रूम स्टिक, झाड़ू की जो तीली होती है वो यूज़ किया है। उसके सेंटर पे मैंने फेविकॉल अप्लाई किया हुआ है। देन उसके बाद एक छोटी सी स्ट्रिप कट करके हम इसको इससे कवर कर देंगे। जब तक ये कवर हो रहा है तब तक आप एक लाइक बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए ये मेरा रेडी हो गया है। इसके बाद मैं 2 स्मॉल सर्कल्स कट करूंगी। देखिए उसके सेंटर में मैंने डॉट किया है, देन उसको होल्ड करा हूँ सेंटर में, और मैं इस स्टिक के साइड में इन दोनों पीसेस को लगाऊंगी। देखिए किस तरह से मैंने इसके अंदर डाला है साइड में विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। अब आप देख सकते हो मैंने अपना सेकेंड पीस लिया है।
और इसको मैं कार्डबोर्ड से थोड़ा सा 3D फॉर्म दूंगी। पहले अप्लाई किया ग्लू गन, देन आई पेस्ट इट। आप इसके रिप्लेसमेंट में आप नॉर्मल थर्माकोल भी यूज कर सकते हो, वो आपके लिए और इजी रहेगा। और ये मेरे टू पीसेस मैंने यहाँ पर इस तरह से जस्ट एक प्लेस करके बस देख ही लिया है कैसा लगता है। मैंने ग्लू गन अप्लाई किया एंड देन आई पेस्ट इट। अब मैं सेकेंड साइड में भी यही करूँगी, उससे पहले मैं इसको और फिक्स करूँगी ग्लू गन जस्ट अप्लाई करके। थोड़ी देर के लिए आई जस्ट लीव इट टू ड्राई। अब मैं इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको भी ऐसे ही पेस्ट करूंगी। अब मैंने अपनी ये टू सर्कल्स ले लिए हैं और अगेन मैंने एक और ब्रूमस्टिक लिया हुआ है। उन ब्रूमस्टिक को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अब इसकी जगह यू कैन यूज टूथपिक ऑल्सो। मैंने ये पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया है तो इसलिए मैं टूथपिक यूज नहीं कर रही हूँ। सेंटर में मैंने होल करे दोनों सर्कल्स के एंड आई जस्ट अप्लाई ग्लू गन ओवर हियर एंड इसको इस तरह से प्लेस कर दिया। सेम एज मैंने सेकेंड में भी यही किया, ग्लू गन अप्लाई कर दिया एंड देन पेस्ट इट। आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो ये इस तरह का दिख जाएगा। अब जो मैंने पहले बनाया हुआ था उसको मैंने अपने दोनों साइड में एडजस्ट कर दिए हैं। जो एक्स्ट्रा जो स्टिक है उसको मैं कट कर दूंगी with the help of scissor। Now जो मैंने ये सर्कल बनाया है उसमें मैंने ग्लू गन अप्लाई किया थोड़ा सा एंड देन ग्लू गन से मैंने उसको अपने ब्रूम स्टिक पे पेस्ट कर दिया। एंड सेकेंड साइड पे भी मैंने सर्कल को पेस्ट कर दिया। देखिए ये ऑलमोस्ट हमारी वेल रेडी हो गई है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसकी स्टिक भी बनाई है। देखिए ये अब बड़ा लग रहा है तो मैं इसको और छोटा कर दूंगी एंड देन उसको मैं पेस्ट कर दूंगी। वेल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बकेट की नीड भी होगी, तो मैंने पेपर से ही बकेट बनाया हुआ है। इसके लिए मैंने थिक पेपर लिया हुआ है, उसको कोन शेप में पहले कोन बनाया देन उसको कट कर दिया। अब देख सकते हैं इसका बॉटम का एरिया एंड देन एक स्ट्रिंग बनाई है। स्ट्रिंग से हमने इसको पूरा प्रॉपर कवर कर दिया है जिससे ये प्रॉपर एक बकेट लुक में आ जाए। अब देख सकते हो मेरी बकेट रेडी हो गई है, उसको मैंने सेंटर में रख लिया है। नाउ आई एम टेकिंग थ्रेड, धागा। मैंने नॉर्मल जो घर में होता है धागा मैंने वही यूज़ किया हुआ है। हल्का सा ग्लू गन अप्लाई किया एंड बाय द रोलिंग मैंने इसमें कुछ थ्रेड को लपेट लिया है। देखिए और इसको मैंने अपने बकेट के साथ नोट कर दिया है, नोट लगा दिया है आप देख सकते हैं। देन एक्स्ट्रा थ्रेड को भी कट इट। अब नाउ यू कैन सी दिस इज वर्किंग।
आप देख सकते हो ये मेरा साइंस वर्किंग मॉडल रेडी हो गया विद द वेस्ट मटेरियल। ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं आपके लिए नए नए क्रिएटिव आइडियाज लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन।